हेलो एवरीवन, मैं रोहित फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं यार। बहुत सारे लड़कों ने अच्छा काफी परफॉर्म किया है, बहुत किसी ने थोड़ा डल परफॉर्म किया, अप टू द मार्क, कोई बात नहीं यार, चलेगा। और आज आ चुकी है सीबीएसई 10th की रिजल्ट्स। तो हम थोड़े दिन के लिए डिप्लोमा वाली कॉलेज रिव्यूज को होल्ड और ठंडे बस्ते पे डालते हैं, इसलिए क्योंकि यार अभी तो झारखंड के एग्जाम्स होने वाले हैं नहीं डिप्लोमा के। जब होंगे उससे पहले सारे कॉलेज रिव्यूज आ जाएंगे डिप्लोमा के। मैं अभी एक दो दिन रोकने की बात कर रहा हूँ, मैं हफ्तों और महीनों के लिए नहीं रोक रहा हूँ। तो सीबीएसई 12th रिजल्ट्स को अगर हम मद्देनजर देखते हैं ना यार, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बीटेक के कॉलेज रिव्यूज आने बहुत जरूरी होते हैं। कि आपका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार जानने की कोशिश करते हैं कि इन कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है, ये कॉलेज कैसी, इन कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना। तो बस उसी टेंशन को खत्म करने के लिए, चाहे वो पेरेंट्स के टेंशन हो, चाहे वो रिलेटिव्स के टेंशन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के टेंशन हो, सबको टेंशन को कम करने के लिए हम बीटेक कॉलेज रिव्यू फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं। हमने बीआईटी सिंदरी की निकाली थी, आज हम बात करने वाले एमआईटी यूनिवर्सिटी रांची के लिए। काफी सारी एमआईटी यूनिवर्सिटी है यार, उन्हीं की एक ब्रांच है जो कि झारखंड में, और ये बहुत बड़ी बात है कि झारखंड में एक एमआईटी यूनिवर्सिटी है, काफी टॉप क्लास कॉलेज है। इसी के बारे में आज बात करेंगे, फैकल्टीज, फैसिलिटीज, फीस स्ट्रक्चर, कोर्सेज। वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं यार एमिटी यूनिवर्सिटी, लेकिन हम मेरा हमारा सबसे पहले मेन मोटिव रहेगा बीटेक कोर्सेज को लेके, अंडर ग्रेजुएट बीटेक कोर्सेज को लेके, ठीक है। 4 साल की जो बीटेक कोर्सेज होती है उन पे हम सारा हमारा फोकस होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, या धांसू प्लेसमेंट्स होती हैं यार, धांसू, समझ रहे हो, धांसू प्लेसमेंट, बस उसी पे हमारा होगा। तो हमारा सारा कॉलेज रिव्यू लगातार इसी तरह का रहेगा, हर दिन अब हम कॉलेज रिव्यू लाने वाले हैं, वो भी सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जो 12th अभी दे चुके हैं, क्योंकि उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यार, इस साल उनका बर्बाद ना जाए। क्योंकि डिप्लोमा वाला के तो हो ही जाएगा, डिप्लोमा वाला का इस साल एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अभी आधार पे लटका हुआ है 12th वालों का, उनका करियर है यार इनके बाद, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट जाते हैं, ये कॉलेज रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आप अपने 4 साल दे रहे हो, फीस दे रहे हो, 10 लाख 5 लाख रुपए लगा रहे हो यार, इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी दिखाओ, अपने भाइयों दोस्तों सब तक फैलाओ यार, सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो। और हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा झारखंड के कॉलेजेस के ऊपर, झारखंड में जितने भी अच्छे अच्छे बीटेक कॉलेजेस हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब पे हमारा फोकस रहेगा। जो बेस्ट होगी वही आपके लिए आएगी। तो क्यों ना जल्दी से स्टार्ट करें इस वीडियो को और जानते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी रांची के बारे में पूरे डिटेल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है यार, पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफी इनके ब्रांचेस है, काफी एमएटी नोएडा में है, लखनऊ में है, फिर रायपुर में है, जयपुर में है, बहुत जगह है यार उनकी एक ब्रांच जो कि झारखंड रांची में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यार, मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे हम बात करते हैं सबसे पहले यार कि कॉलेज कैसा है यार, कैंपस कैसा है, क्या अच्छा है कि नहीं यार, एक तरह की ड्रीम कॉलेज लगती है यार। मतलब देखो ना यार, फोटोग्राफी किस लेवल पे ली गई है यार, ये कॉलेज है भाई, ठीक है, ये कॉलेज है, इसकी सीन देखो कितनी खूबसूरत ली गई है, कि लग रहा है कि यार ड्रीम कॉलेज, कुछ मतलब बहुत ही बढ़िया कॉलेज है यार, मतलब स्टूडेंट्स बहुत अच्छे बच्चे, मतलब जो मतलब हम इस पे हर चीज पे बात करेंगे, क्या इनकी वैल्यू फॉर मनी है, मतलब कैसा इनका इन्वेस्टमेंट अगर आप इस पे करते हो तो कितना बढ़िया आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं भैया, आपके स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट हो रहे हैं कि नहीं, कौन सी कंपनीज आती है या फिर छोटे मोटे कंपनीज आते हैं, ब्रांचेस कौन सी है, हर ब्रांच की क्या रिकॉर्ड रही है, प्लेसमेंट की हर एक मैं रिपोर्ट दे दूंगा आपको, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है कॉलेज की, कैसे आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन चल रही है, कैसे लेना वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या क्या मैं देने वाला हूँ देख लो, प्लेसमेंट रिपोर्ट दूंगा 17, 18, 19, 20, जो भी इनके कॉलेज के जो प्लेसमेंट रिपोर्ट रहे हैं मैं वो लिंक दे दूंगा, वो पीडीएफ खोलना, आपको 10, 10, 12, 12 पेज के जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कौन कौन कंपनी आई, कौन कंपनी ने कितने स्टूडेंट्स को उठाया, कितने पैकेज में उठाया, सारी रिपोर्ट उसमें रहेगी यार। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी रहेगा कि आप कैसे डायरेक्ट इनके वेबसाइट में जाकर लिंक ओपन करके वो अप्लाई कर सकते हो, फीस स्ट्रक्चर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और ये फेक नहीं है यार, अप्लाई ऑनलाइन करें, क्योंकि पेमेंट देना होता है इनकी फॉर्म फिलअप करने के लिए, 1100 रुपये इनकी फॉर्म की दाम है यार एमिटी यूनिवर्सिटी की, वो फेक नहीं है। मैंने खुद कल रात में इसे बैठ के अप्लाई किया यार, मैं खुद अप्लाई किया, मेरे को वहां से कॉल भी आ गया 1 घंटे के अंदर, वहां एमिटी यूनिवर्सिटी, वो नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, एमिटी यूनिवर्सिटी का ऑफिस का नंबर है, डायरेक्ट आप उनसे कॉल करके व्हाट्सएप में या जो तरीका से बात कर सकते हो, अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हो, फीस स्ट्रक्चर आपको हर चीज की तरह से मिल जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 2016 बनी काफी नई यूनिवर्सिटी यार, काफी नई यूनिवर्सिटी, ज्यादा पुरानी हुई नहीं है, 2016 में स्टैब्लिश हुई थी, झारखंड रांची में आई है, ठीक है, प्राइम लोकेशन में एकदम है, ठीक है, निवारणपुर में है, ज्यादा नहीं, 6-7 किलोमीटर में डिस्टेंस में रांची एयरपोर्ट भी आ जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह पे यूनिवर्सिटी ये बनी हुई है, ठीक है। ये मतलब इनका जो हेड ऑफिस वो नोएडा में है, तो उन्हीं के एक ब्रांच यहाँ पे बनी हुई है। यूजी पीजी कोर्सेज दोनों ही ऑफर करते हैं, इंजीनियरिंग में हो चाहे लॉ में हो चाहे मैनेजमेंट में हो चाहे कॉमर्स में या कंप्यूटर मेनी मोर्स में, ठीक है,
बहुत सारी चीज में। तो हम आज हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा इस रिव्यू में बीटेक कोर्सेज को लेकर, ठीक है। बीटेक कोर्सेज के जो 4 साल के कोर्सेज होते हैं वो, तो चलिए जान लेते हैं भाई कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर करते हैं यार, कौन कौन से ब्रांचेज में। सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, ठीक है। तो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल की जो मिक्स्ड पढ़ाई होगी ना वो इसमें हो जाएगी, ठीक है। आपको मैकेनिकल में भी फायदा मिल जाएगा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी आपके रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है, प्लेसमेंट्स है। और ईसी ब्रांच, ठीक है, काफी अच्छी अच्छी कोर्सेज है। जो 6 मेजर कोर्सेज जो मानी जाती है ना यार इस समय के टाइम में, वो मेजर कोर्सेज यहाँ अवेलेबल यार। कॉलेज की देख लो यार व्यू, यही है कॉलेज, मेन कॉलेज ये है। काफी प्राइवेट कॉलेजेस की है ना यही बात होती है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर ना एकदम टॉप क्वालिटी का इन लोग प्रोवाइड करते हैं यार, ठीक है। फैसिलिटीज पर भी हम लोग बात करेंगे यार, फैकल्टी फैसिलिटीज कितने बढ़िया फैसिलिटीज इन प्रोवाइड करते हैं यार। लाइब्रेरी तो यार मन करता है ना कि यार काश हम भी होते तो हम भी वैसी तरह पढ़ते। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। ये उनकी मेन गेट है यार एमडी यूनिवर्सिटी, काफी बढ़िया यार कॉलेज फैकल्टी और फैसिलिटीज वगैरह हम लोग बात कर लें तो यार लाइब्रेरीज आर मोर इंटीग्रेटेड। ये देख लो लाइब्रेरी, देख लो ये इनकी रीडिंग सेंट्रल लाइब्रेरी की रीडिंग रूम है, इस तरह से बैठ कर जैसे लग रहा है यार कि 5 स्टार होटल में बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मोर इंटीग्रेटेड है, क्या वॉल्यूम्स है, टाइटल्स आप देख लो यार, या वीडियो पॉज करके आप समझ सकते हो। फैकल्टी मेंबर्स काफी प्रोफेशनल्स होंगे, आप भी समझ सकते हो जब ये इस तरह की टॉप रेटेड कॉलेज है यार पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। दुबई में भी एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इनकी एक ब्रांच दुबई में भी है। सोच लो आप टॉप क्लास कॉलेज, इंटरनेशनल कॉलेज है, तो उनके फैकल्टी मेंबर्स किस तरह होंगे। दूर दूर से पढ़ाने के लिए भी फैकल्टी मेंबर्स आते रहते हैं। कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लैब्स 6-7 हैं, इंजीनियरिंग लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, मैकेनिकल लैब, जो बेसिक फैसिलिटीज है वो तो होती हैं और जो बेस्ट हो सकते हैं यार वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आप फीस दे रहे हो इनके यार, या तो क्यों नहीं क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेगी। क्वालिटी एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है, हम अपने बच्चों को क्या सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं भेज सकते, कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट भी तो होनी जरूरी है। सरकारी कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं जो इस तरह के प्रोवाइड करते हैं। आप बीआईटी सिंधरी के कॉलेज नहीं देखे हो ना तो आई में जाके देख लेना, आई वाला जो लिंक है ना उसको ओपन करना बटन में, वहां पे आपको मिल जाएगा बीआईटी सिंधरी का वो कॉलेज रिव्यू, आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आगे हम इस पे बात कर लेते हैं यार। देखो कुछ इमेजेस देख लो यार, क्लासरूम्स के, ऑडिटोरियम्स के, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, इंफोरिया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आते रहते हैं यार अपने फिल्म्स के प्रमोशंस के लिए। सोच सकते हो बहुत ही टॉप क्लास कॉलेज है यार, मजा आ जाएगा पढ़ने का अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हो ना यार। एडमिशन की सीट्स बहुत ही कम बची हुई है क्योंकि बहुत पहले इन लोगों ने, बहुत स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने सीट्स बुक की हैं, अभी बहुत ही कम सीट्स हैं। अगर आप ये कॉलेज रिव्यू अब तक पहुंच रही है तो आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी अप्लाई करो यार, यहाँ जाके वहाँ जाके अपना सीट बुक करो। डायरेक्ट एडमिशन हो रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है। आपके नंबर जिस तरह के आए उस तरह के स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप अभी हम बात करने वाले हैं जस्ट इसके बाद के स्लाइड्स में, ठीक है। स्कॉलरशिप में हम बात करेंगे कि कितने कितने परसेंट लाओगे तो आपको कितने परसेंट फीस में छूट मिल जाएगी, कितने परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है ना। स्कॉलरशिप अगर हम ये देख लो यहाँ पे, ये यार मेरी फेस से छुप गई यार, ठीक है, मेरे को फिर भी पता है। 88% से ऊपर अगर आपका आया है 10th 12th के रिजल्ट में, जो आपने सीबीएसई के 12th या किसी भी बोर्ड से अपने एग्जाम दिया, अगर आपका 88% से अबव है तो आपको क्या बोलते हैं 50% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको एडमिशन में। 50% स्कॉलरशिप, देखो स्कॉलरशिप डायरेक्ट एडमिशन विदाउट अपीयरिंग एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस एंड एकेडमिक फीस स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल रहा है, आप अप्लाई करो। एडमिशन इज ओपन नाउ, अप्लाई ऑनलाइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने लिख दिया है यार, आप लेफ्ट साइड में देखो लिखा हुआ मिल रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जाकर कर सकते हो, फेक नहीं होगा। ये मैंने खुद करके देखा है, 1100 रुपये फॉर्म के दाम है। तो बात करते हैं स्कॉलरशिप को लेकर, 88% से अगर आपका अभाव आया है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, 93% से अगर आपका अभाव आया है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी यार, और अगर आपका 60-65% से अभाव आया है तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ये इनका स्कॉलरशिप का पैटर्न है और एडमिशन प्रोसीजर वही है यार, 12th पास होना कंपलसरी है, 50-55% आपको अबव होने होंगे तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। जैसे क्राइटेरिया रखते हैं ना कि 50% से अबव वाले को लड़कों को या लड़कियों को हम लेंगे, ठीक है, तो वही बस उनका क्राइटेरिया है। 4 सब्जेक्ट्स में एकदम 50% होने कंपलसरी यार, जो मैंने उनसे बात किया कल रात में ही, तो उन्होंने बताया कि 4 सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट में क्रॉस भी रहा, जैसे आपका मान लो क्रॉस किसी एक सब्जेक्ट में रहा तो आपका एनी 4 सब्जेक्ट में 50% 55% से अबव होना चाहिए। जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, और या फिर अगर आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लिया या फिर आईटी आपका कोई रहा है सब्जेक्ट 12th में, तो वो अगर एक सब्जेक्ट क्रॉस है तो उसमें 1 लग के पास हो जाओगे आप, तो इनके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट क्रॉस हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, तो ठीक है, आप उनसे एक बार बात कर लो, वो नंबर भी रहेगा ऑफिस का, जो भी आपको कंफ्यूजन होगा आप डायरेक्ट वहां से बात कर लेना, तब भी अगर वहां भी संतुष्टि न मिले तो मेरे से बात कर लेना, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है।
तो वो चीज़ हो गई। स्कॉलरशिप आप जान ही गए, ये देख लो यार बहुत सारी इवेंट्स होते रहती हैं यार, बड़ी कॉलेज है तो इवेंट्स होना तो एकदम लाजमी है यार। ठीक है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लेसमेंट डिटेल रिपोर्ट जो होंगी ना 2017 से 2020 की सारी डिटेल रिपोर्ट, चाहे किस कौन कौन कंपनीज आई है यार इस कॉलेज में, कितनी सारी कंपनीज आई हैं, कितनी सारी कंपनीज में कितने लड़कों को उठाया, हर एक छोटी से छोटी डिटेल, कितने कंपनियों ने कितना पैकेज ऑफर किया। सबसे हाईएस्ट पैकेज यार अमेजन ने दिया इन्हें 30 लाख, 30.5 लाख का। ठीक है, एवरेज पैकेज 4.5 लाख का रहता है इस कॉलेज का। ठीक है, प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो यही होगी 30.5 लाख की। हाँ 30.5 लाख की अमेजन ने अप्लाई किया, आप जाके देख लेना प्लेसमेंट रिपोर्ट, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक रहेगी 4 साल की लगातार। ठीक है, डिटेल एनालिसिस की 10-10 पेज की रिपोर्ट है यार, मैं कैसे इसमें ऐड कर सकता था, वीडियो लेंथ भी बढ़ जाती और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बताने के चक्कर में स्लाइड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, कुछ इमेजेस हैं, वीडियो पॉज करो देख लो। ये सब ढेर सारी कंपनी है, इससे भी बहुत सारी कंपनीज है यार। 3 स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, प्लेसमेंट वाली कंपनीज के जितना मैं कर पाया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने सोचा 4-5 स्लाइड कहीं ना पड़ जाए यार। और बहुत सारी कंपनीज आती हैं यार, सोचो तो सेंट्रलाइज्ड इनकी कॉलेज। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कॉलेज मतलब जैसे इनका हेड ऑफिस से डायरेक्ट कंट्रोल होता है सारा डिपार्टमेंट। ठीक है, हेड ऑफिस, तो जो जो कंपनियां यहाँ आएंगी ना, तो वो हेड ऑफिस के थ्रू यहाँ पे भेजी जाती हैं कि कौन कौन सी कंपनियां को यहाँ भेजा जा रहा है, क्योंकि उनको अपना स्टेटस मेंटेन रखना है ना यार ब्रो। तो स्टेटस रखने के चक्कर में ये ढेर सारी कंपनियां यहाँ आती रहती हैं, इतनी सारी कंपनीज है ना क्या गिनती मैं भूल गया। देख लो गूगल और अमेजन, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सब, टीसीएस आती है, टाटा मोटर्स, प्यूमा, रिलायंस, रिलायंस जियो भी आई है। ठीक है, फ्लिपकार्ट भी है, अशोक लेलैंड की कंपनी है। ठीक है, देख सकते हो विदेशी विदेशी कंपनियां भी बहुत सारी, इंटरनेशनल कंपनी, ट्रिनिटी जैसे देख लो। तो अमेजन ने 37.5 लाख का पैकेज, सबसे हाईएस्ट पैकेज इन्हें ऑफर किया इनके स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वो डिटेल एनालिसिस आपको पीडीएफ की लिंक में मिल जाएगी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया, आप वहां से देख लो, आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी। ये और सारी कंपनीज आप देख लो, ह्युंडई, ह्युंडई है यार बहुत है यार, देख लो आईटीसी कंपनीज है। ठीक है, जिसका है सर्वियन है, रिलायंस है, रिलायंस जियो देख लो, सैमसंग है, पेटीएम भी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टेक हेड है, ठीक है, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है, विदेशी विप्रो भी है। ठीक है, फॉर फीस प्लेसमेंट्स यू कैन गो थ्रू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एडमिशन के लिए भी आप जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अप्लाई ऑनलाइन करेगा ऑप्शन, ध्यान से देखना यार, गड़बड़ मत करना, ये मत सोचना मैंने नहीं बताया, मैं सारे चीज बता चुका हूँ, वो आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक जैसे ओपन करोगे सब कुछ आपको डेटा मिल जाएगा। मैंने इसलिए इसमें ऐड किया क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाती, फिर वीडियो लेंथ इतनी बड़ी हो जाती कि आप देखना नहीं पसंद करते, फिर बोर हो जाते हैं यार, इसलिए मैंने लिंक के थ्रू से बना दिया, आप लिंक ओपन करना आपको सब डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो यही थी, और बात करते हैं आगे, जैसे आगे हम जैसे फीस स्ट्रक्चर के लिए आप लिंक ही जाओगे, लिंक के बाद फीस स्ट्रक्चर आपको वही डिटेल मिल जाए, जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो बेसिक डिटेल्स के बाद आपको आता है कि कौन से आप कोर्सेज को चूज करते हो, इंजीनियरिंग लाइन चूज करोगे तो इंजीनियरिंग के कौन से ब्रांचेस को चूज करते हो, तो उसी के बगल में एक ब्लू डॉट में रहेगा सी डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स को जैसे आप दबाओगे उसमें आपको फीस स्ट्रक्चर दी जाएगी, कौन से ब्रांचेस का कितना फीस है एनुअली। ठीक है, तो वो लोगों के वेबसाइट की डायरेक्ट ऐड की हुई है, तो बेस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, इसलिए लिंक को ध्यान रखना, लिंक को भूलना नहीं यार, ये मत सोचना कि मैंने नहीं बताया इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है यार लाइक जरूर करो, कमेंट नहीं करते हो कमेंट करो, बताओ यार, लगातार कॉलेज रिव्यू जाएगी और मैं झारखंड के कॉलेजेस पे ही ज्यादा फोकस करूंगा कि आप झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिशियल, आप कौन से कॉलेज में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, मेरे लिए इस कॉलेज की यार टॉप क्लास है, आप इसमें जरूर जाकर एडमिशन लेने के लिए ट्राई करो, अगर जिनको भी इंटरेस्टेड है आप बात करो, नंबर होगी सब कुछ ट्राई करो, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कॉलेज रिव्यू जल्दी आने वाली है, या फिर हो सकती कल ही आ जाए, परसों आ जाए, जल्दी जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि हम फेक रिपोर्ट नहीं देते यार, हम लोग कंफर्म डिटेल्स बताते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है वो आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे अगले कॉलेज रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।